एक नई नवेली रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली गोरिल्ला 400 आज हमारे सामने खड़ी है। साथ ही न्यू लॉन्च्ड वेरिएंट है और ये इसका गोल्डन डिप एडिशन आज हमारे सामने खड़ा है। तो इसकी फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सारी चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम चाबी से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्लेन चाबियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जो कुछ इस तरीके से होने वाली है। साथ में जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर जब आप इसका लाइट्स का सेटअप देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपको मिलती हैं यहाँ पर DRLs, यहाँ पर आपको मिलती हैं प्रोजेक्टर लाइट्स, लाइट्स नहीं है यहाँ पर, आपको DRLs LED में लाइट्स होने वाली है। और यहाँ पर पास के स्विच की मदद से ये लाइट जला सकते हैं, ये सेपरेट लाइट्स हैं दो। या और यहाँ पर देखिए आपको LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ पर लगा है टेलीस्कोपिक सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कवर अप होने वाला है, 42mm का होने वाला है। साथ में बड़े और चौड़े टायर का यूज़ किया है एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए 120/70 और R17 टायर का यहाँ पर यूज़ किया है। ब्लैक कलर के अलॉय व्हील होने वाले, ज़बरदस्त सस्पेंशन की क्वालिटी होने वाली। और साथ में अगर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो यहाँ पर 300mm की डिस्प्ले होने वाली है। बाइवर के कैलीपर का यूज़ किया है यहाँ पर और ABS टेक्नोलॉजी है, आगे पीछे ड्यूल चैनल ABS है। और रॉयल इनफील्ड में यहाँ पर आपको मिलने वाला है भैया लिक्विड कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। तो रेडिएटर यहाँ पर लगा है बड़ा सा और साथ में यहाँ पर आपको एक 400cc का इंजन मिल जाता है, एक पावरफुल इंजन होने वाला है। और इसके पावर की बात कर लें तो 40 BHP की पावर और 40 Nm का आपको टॉर्क देगा। यहाँ पर आपको 6 ट्रांसमिशन के साथ ये आने वाला है इंजन। और गोरिल्ला देखो गोल्डन डिप एडिशन है तो यहाँ पर गोरिल्ला 450 की यहाँ पर बैचिंग होने वाली है, गोल्डन कलर, रेड कलर और रॉयल इनफील्ड के ग्राफिक्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। फ्यूल टैंक देखो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यार ये जो फ्यूल टैंक है ये काफ़ी एकदम बड़ा फ्यूल टैंक आपको देखने पर मिलेगा। जब आप देखोगे फ्यूल टैंक तो बहुत ही बड़ा फ्यूल टैंक है, 11 लीटर के करीब यहाँ पर होने वाला है फ्यूल टैंक। और साथ में जो अच्छी चीज़ है वो होने वाला है इसका माइलेज। तो यहाँ पर अगर हम माइलेज की बात कर लें तो ये आपको दे देगी 32 से 33 KMPL का माइलेज। और साथ में सिंगल सीट है तो सीट जो है फ्रंट के लिए और पिलियन के लिए दोनों के ही लिए यहाँ पर आरामदायक होने वाली। कुशनिंग बढ़िया है सीट की, सिंगल सीट है लेकिन जो कुशनिंग है सीट की वो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर देखो ग्रैब रेल है दोनों ही तरफ, अलग अलग ग्रैब रेल है तो दोनों के लिए ही पकड़ने वाली ग्रैब रेल अलग अलग होने वाली है। साथ में जब आप इसका रियर का प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर देखो LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं और इंडिकेटर्स में ही इसकी जो टेल लाइट है वो यहाँ पर होने वाली है, जैसे कि आपने ओल्ड हिमालयन में भी देखा था जो अभी हिमालयन आई थी। और यहाँ पर गोल्डन कलर की, यहाँ पर सारी ही जगह गोल्डन एडिशन है तो गोल्डन कलर के ग्राफिक्स का यूज़ किया है। साथ में यहाँ पर देखो C8 के टायर लगाए हैं पीछे में, तो 160, 160 और 170 यानी कि बेहद ही चौड़ा टायर यहाँ पर कंपनी ने दिया है। साथ में पीछे भी डिस्क प्लेट है जो 300mm की है, ड्यूल चैनल ABS है। साथ में यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन देखिए, हाइड्रोलिक मोनोशॉक सस्पेंशन होने वाले। और जो हमें खास चीज़ लगी वो लगी है यहाँ पर इसका साइलेंसर, ये देखो जो एग्जॉस्ट है ये कितना एकदम पतला और ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन अच्छा होने वाला है। एक बार इसका साउंड सुनवा देते हैं स्टार्ट करके गाड़ी का। तो 6000 RPM पर कुछ इस तरीके से इसका साउंड होने वाला है, रिफाइन साउंड होने वाला है गाड़ी का और पावरफुल बाइक आपके लिए हो सकती है। आइए इसके एक बार फंक्शंस और देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो जब आप इसका मीटर यहाँ पर देखेंगे तो मीटर को जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखो गोरिल्ला की बैचिंग नज़र आएगी, यानी कि गोरिल्ला का थीम। और ये एक नई चीज़ है, देखो यहाँ पर जब आप ऑन करेंगे तो ये जो इसका मीटर है RPM का, ये देखो ऊपर नीचे जाता है, ये डिजिटल में होने वाला है फुल्ली। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिखाता है, फिर चाहे टाइम की बात कर लें या फिर बाहर के टेम्परेचर की बात कर लें, साइड स्टैंड की बात कर लें, इंजन चेक की बात कर लें, ABS के साइन की बात कर लें, ऑडियो की बात कर लें या फिर जो सारे ही नेसेसरी फंक्शन हैं उनकी बात कर लें, यहाँ पर सारी चीज़ें बता देगा। मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाएगी, साथ में यहाँ से आप अपना USB चार्जिंग की मदद से यहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है एक Type-C का सॉकेट, देखिए Type-C का सॉकेट है, USB का सॉकेट नहीं है, तो फास्ट चार्जिंग की मदद से आप अपना मोबाइल इसमें चार्ज कर पाएंगे। साथ में जब आप इस पर बैठेंगे तो देखिए जो राइडिंग टू सीटिंग का पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है इस गाड़ी में। सीट हाइट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 790mm की सीट हाइट होने वाली है, साथ में यहाँ पर 167mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, यानी कि सड़कों से भी ऊंची होने वाली है। साथ में यहाँ पर क्रस गार्ड, देखिए क्रस गार्ड को जिस तरीके से देखने पर आपको मिलेगा। और जब आप गाड़ी पर बैठेंगे तो देखो जो ये पोस्चर बनता है गाड़ी का ये काफ़ी ज़्यादा शानदार बनने वाला है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है असिस्टेंट स्लीपर क्लच, गाड़ी की कंट्रोलिंग बेहद ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और साथ में अगर हम इसके कीमतों की बात कर लें तो ये आपको 260,000
रुपए की ऑन रोड आपको मिलने वाली है। ये इसका गोल्डन डिप एडिशन है, चार कलर मॉडल भी इसमें आपको इसके साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे साथियों। और यहाँ पर देखिए इसमें और क्या क्या मिलता है, यहाँ पर बटन्स वगैरह हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से देखो आपको यहाँ पर मिलता है इंजन, यहाँ पर मिल जाता है इंजन का किल स्विच, यहाँ पर देखो इंजन का किल स्विच है। यहाँ से आप मोड्स की मदद से इसके जो मीटर है उसमें देखिए इकोनॉमी मोड, सिटी मोड और ये ड्राइविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे इस बटन की मदद से। यहाँ पर देखो ये बटन है इसकी, यहाँ पर दिखाओ ये बटन है इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। साथ में यहाँ पर आपको पास का स्विच मिल जाएगा, टर्न ऑन इंडिकेटर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर ये जो एनालॉग है इसकी मदद से आप देखो यहाँ पर जब आप मीटर में देखेंगे तो मीटर में एनालॉग की मदद से यहाँ पर एपरियंस, ट्रिप प्रेफरेंस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, माई ट्रिप, ये सारी ही चीज़ें, फ्यूल गेज, फ्यूल कॉन्स, बैटरी सर्विस, इंजन रिमाइंडर वगैरह, ये सारी ही चीज़ें ए टू जेड चीज़ें देख पाएंगे। कंट्रोलिंग बढ़िया होने वाली है और गाड़ी के जो ग्राफिक्स हैं ये गोल्डन वाला कलर एडिशन है, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है और एक बजट क्रूज़र बाइक भी इसको हम कह सकते हैं, जिसका कंपटीशन सीधा सीधा रॉयल इनफील्ड की ही हम हिमालयन से होने वाला है। खैर आपका क्या कहना है इस बाइक को लेकर मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।